अमेठी का संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल एक महिला की मौत और उसके परिवार के आरोपों के बाद बंद कर दिया गया है। अब इसे लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर अस्पताल को निशाना बनाकर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संजय गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के उचित रखरखाव के लिए अमेठी के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि अस्पताल इसलिए बंद किया गया क्योंकि ये उस ट्रस्ट द्वारा संचालित है जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अस्पताल का ताला खुलवाने की मांग की है, साथ ही भाजपा पर राजनीतिक द्वेष का आरोप भी लगाया। अमेठी के लोगों के जो कृषि के कार्य थे उसको छीने, अब स्वास्थ्य छीन लिया। आज भी वहां पर डायलिसिस के संजय गांधी अस्पताल जिसको बंद कराने का षड्यंत्र किया गया है। स्मृति ईरानी के कहने पर स्वास्थ्य महकमे और उसका एक जो चिंटू टाइप के मंत्री ने काम किया, इनके निर्देश पर एक कार्यकर्ता की तरह जो अस्पताल को बंद कराने का काम किया गया, ना वो जो मेडिकल गाइडलाइन है उसके अनुरूप है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप है। ठीक ठीक तरीके से दुरुपयोग किया गया, उस दुरुपयोग पे अमेठी की जनता पिस रही है। वहीं इस घटना को लेकर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि शुरुआती जांच में पाई गई कमियों के आधार पर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की गई है और कहा कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की घटना बहुत ही दुखद है। जवान बेटी की मौत हुई है। पूरी घटना की कमेटी ने स्थानीय स्तर पर जांच की है, उसके बाद अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। हर स्थिति में हम प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। किसी भी ऐसे अस्पताल को जिसने अवैध ढंग से या लापरवाही पूर्वक मरीजों को जानबूझ करके असमय मौत में धकेला है, हम बख्शेंगे नहीं। हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये लगातार कार्रवाई जारी रहती है। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार होती है। सरकार इसे भले ही सिर्फ लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदला बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इसे लेकर भाजपा पर हमलावर हो गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार से तीखे सवाल पूछे और कहा कि अगर मरीज की मौत होने पर अस्पताल को बंद कर दिया जाता है तो लोहिया, KGMU, सिविल इन अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि सारे सरकारी अस्पतालों में रोज कोई ना कोई मौत होती है। ये कोई दोराई, ये दुर्भावनापूर्ण कार्य है। अस्पताल में अगर मौत होने पर अस्पताल बंद होते तो PGI को बंद कर देना चाहिए, लोहिया को बंद कर देना चाहिए, KGMU को बंद कर देना चाहिए, सारे सरकारी अस्पताल बंद कर देने चाहिए क्योंकि हर अस्पताल में रोज कोई न कोई मौतें होती हैं। स्वाभाविक रूप से कभी यदि किसी प्रकार की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो वाकई में घटना दुखद होता है, लेकिन घटना की जांच की जानी चाहिए, दोषी लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि अस्पताल बंद किया जाना। इसका निदान नहीं है, अस्पताल बंद किया जाना सरकार की दुर्भावना का द्योतक। बता दें कि 14 सितंबर की सुबह पेट दर्द की शिकायत के बाद एक 22 साल की महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पित्ताशय की सर्जरी से पहले उसकी हालत खराब होने पर उसे लखनऊ के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां 16 सितंबर को महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि संजय गांधी अस्पताल में एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण महिला की मौत हुई। इसे लेकर 17 सितंबर को एक FIR दर्ज की गई। इस मामले का संज्ञान लेते हुए अमेठी के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी जांच के आदेश दिए और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। 18 सितंबर को जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पहली नजर में इलाज के दौरान लापरवाही के सबूत मिले हैं और इसीलिए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। लाइसेंस निलंबित करने के बाद अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।